प्रश्न, क्या रमजान के महीने के प्रवेश करने की बधाई देना जायज है या कि इसे बिदायत अर्थात नवाचार समझा जाएगा? उत्तर, हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह ताला के लिए योग्य है। रमजान के महीने के प्रवेश करने की बधाई देने में कुछ भी गलत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को रमजान के महीने के आगमन की शुभ सूचना देते थे और उन्हें इसका ध्यान रखने पर उभारते थे। चुनांचे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि उन्होंने कहा, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास एक मुबारक अर्थात शुभ महीना रमज़ान आया है जिसके रोज़े को अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर अनिवार्य कर दिया है, जिसमें आकाश के द्वार खोल दिए जाते हैं और नरक के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और अड़ियल और विद्रोही शैतानों को जकड़ दिया जाता है। उसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीने से बेहतर है। जो व्यक्ति उसकी भलाई से वंचित कर दिया गया तो वो वास्तव में महरूम अर्थात वंचित और अभागा आदमी है। इस हदीस को इमाम नसई ने रिवायत किया है और यह हदीस सही तरगीब में उल्लिखित है।